आज हम बनाएंगे शिकंजी। अफ्तार में लोग हमेशा नींबू पानी बनाते हैं, चीनी पानी, उसी को थोड़ा सा ट्विस्ट दे के आज हम शिकंजी बनाएंगे। तो चलिए, हमें जो चीज़ें चाहिए, हम लेंगे ये चीनी, मैंने एक कटोरी ली है, और ये वन और ये हाफ नींबू लिया है, और ये एक चम्मच काली मिर्च पाउडर, और आधा चम्मच से भी कम सॉल्ट है, नमक, और ये एक चम्मच हमारा ज़ीरा पाउडर है। ये सारी चीज़ें हो गए। अब हम लेंगे एक पतीला, ये हमने पतीला लिया, और ये हमने एक बॉटल लिया 1 लीटर की, ये सारा पानी इसमें पलट लेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये हमारा चीनी मिक्स हो जाए इसके अंदर। ये आप देख सकते हैं, ये हमने चीनी लिया है, और ये हमने काली मिर्च पाउडर डाल दिया इसके अंदर, ये नमक डाल दिया, और ये जीरा पाउडर डाल दिया। और ये नींबू हम इसे बीच से नाइफ की सहायता से कट कर लेंगे और इसके बीज निकाल लेंगे इस तरीके से, बीज निकालें, उसके बाद ये सारा जूस इसके अंदर ऐड कर दें। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये नींबू कम पड़ेंगे, ये मैंने एक नींबू इसमें निचोड़ दिया, ये मैं दूसरा नींबू ले रही हूँ। ये छोटे छोटे नींबू है इसलिए मैंने दो लिए हैं, अगर आपके बड़े साइज़ के नींबू है तो आप एक भी ले सकते हैं। अब इसे हम इसमें सारा स्क्यूज़ कर देंगे, सारा नींबू इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। मैंने दो नींबू लिए हैं, ये हमारा शिकंजी बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, आप एक बार बना के ट्राई करें, अफ्तार में बनाएं। मैं फिर ठंडे पानी में बनाऊंगी और इसमें आइस कोक डाल दूंगी। आप इसमें बर्फ़ भी घिस के डाल सकते हैं, इससे बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा ठंडा, एकदम चिल्ड, जितना चिल्ड रहेगा उतना ज़्यादा आपको मज़ा आएगा पीने में। अब हम इसे अच्छे से घोल लेंगे, बिल्कुल इसकी चीनी पानी में मिक्स हो जाए, अच्छी तरीके से घोल लेंगे। ये ऐड कर देंगे इसके अंदर 2 चम्मच मैंने काला नमक लिया है, ये इसके अंदर डाल के मिक्स कर देंगे। शिकंजी बनाने के लिए हमें काला नमक की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप ज़रूर डालें, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप देख सकते हैं हमारा चीनी घुल चुका है। अब इसके अंदर हम चिल्ड पानी डालेंगे, बिल्कुल ठंडा पानी डालेंगे। मैंने पानी ले लिया है, आप देख सकते हैं पूरा 1 लीटर पानी लिया है। अब इसे हम मिक्स करेंगे, आप देख सकते हैं हमने इसमें बिल्कुल ठंडा पानी डाल दिया। अभी ऊपर से मैं आइस डाल रही हूँ, ये जितना चिल्ड रहेगा उतना मज़ा आएगा आपको पीने में। तो ये हमने एक बार डाल दिया है, और चलिए इसे सर्व करते हैं। तो ये हमारा शिकंजी बिल्कुल तैयार है, आप इसे इंजॉय करें। देख सकते हैं बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप चाहें तो इसे छान भी सकते हैं, लेकिन मैं इसे ऐसे ही पसंद करती हूँ, तो मुझे ये ऐसे ही बहुत अच्छे लगते हैं। आप इस तरीके से बनाएं और अफ्तार में बनाएं और बच्चों को पिलाएं, बहुत ही बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं।